हेलो दोस्तों, मैं आपका दो चांद मकैनिक। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं टाटा टर्बो का पंप फिटिंग और टाइमिंग के बारे में। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं प्लेट में 13 नंबर बोल्ट डालकर और ये दाते गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 के बीच में रख के लॉक कर देंगे, ये पंप का टाइमिंग हो जाएगा। और उसके बाद इंजन का टाइमिंग मिलाएंगे और ये होल्डर है, इसमें पाइप लगेगा, 1 5 3 6 2 4, ये आप देख सकते हैं, ये पाइप फिटिंग होएगा उधर जाने के बाद। अब इंजन का टाइमिंग मिलाएंगे, ये आप देख सकते हैं फ्लाईबिल में बराबर दिख नहीं रहा है, थोड़ा साफ सुफ करके थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये निशान पे रोक देंगे तो इंजन का टाइमिंग हो जाएगा। उसके बाद पंप अब फिटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं पैकिंग लगा कर एनाबोन ट्यूब लगा कर अच्छे से, ताकि आयल लीकेज ना हो। ये फिटिंग होने के बाद ये पीला निशान वाला दाता ये बोल्ट के सामने आएगा, यहीं पर रख के अच्छे से पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये पीला निशान वाला दाता ये बोल्ट के सामने आएगा, इसको अच्छे से टाइट करेंगे ताकि आयल लीकेज का चांस ना रहे। चारों बाजू फुल टाइट करने के बाद ये सब टाइट हो गया है। अब इसके बाद पाइप टाइट करेंगे, पाइप टाइट किए जा रहे हैं, पाइप का फिटिंग का वो बताया आगे और फिर वापस बताएंगे कौन किस में लगेगा। ये आप देख सकते हैं सभी फिटिंग किए जा रहे हैं, ये रिटर्न पाइप है, रिटर्न पाइप लगा के इसको भी नया वाइसर बेंजो वाइसर लगा कर अच्छे से टाइट कर दे। ये हो गया है। अब ये एक्सीलेटर का राड है, कुंडी में बैठा कर अच्छे से लॉक लगा दें, ये आप देख सकते हैं ये हो रहा है, लॉक लग गया। अभी पाइप ये 1 नंबर है बाहर की साइड, फिर उसके बाद में 5 नंबर है, उसके बाद ये 3 नंबर है, उसके बाद ये 6 नंबर है, उसके बाद ये 2 नंबर है, ये 4 नंबर है। फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से पाइप ही लग जाता है। उसके बाद ये रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।